हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने घर के गंदे पड़े टाइल्स को कैसे साफ कर सकते हैं। जब भी हम अपने घर के टाइल्स को साफ करते हैं तो हम किसी न किसी केमिकल को यूज करते हैं, और केमिकल यूज करने से हमारे हाथ तो खराब होते ही हैं, इसके साथ ही हमारे कई सारे हेल्थ इशू भी हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना केमिकल के आप अपने टाइल्स को कैसे साफ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक भगोने में पानी गर्म किया। मुझे जितना ज़रूरत था उस हिसाब से मैंने पानी को गर्म किया है। अगर आपको ज़्यादा जगह साफ करना है तो उस हिसाब से आप पानी को गर्म कर लीजिए। मैंने यहाँ एक भगोना पानी गर्म किया और 2 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर लिया। आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं। इसके बाद मैंने डिटर्जेंट और गर्म पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने पानी को टाइल्स के ऊपर गिरा दिया और ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया। आप चाहे तो जूने या कपड़े वाले ब्रश से भी रगड़ सकते हैं। आप कुछ भी साफ करने से पहले इतना तो माइंड में जरूर रखिएगा कि सफाई करते वक्त हमें थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर हम कोई भी केमिकल डालते हैं तब भी हमें रगड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम केमिकल डाल दिए और अपने आप साफ हो जाएगा। इसी तरह से मैंने सर्फ और गर्म पानी मिक्स करके टाइल्स पे डाला और इसे थोड़ी देर तक मैंने पेशेंस के साथ ब्रश से रगड़ा। मैंने ये ब्रश अमेज़न से मंगाया है। अगर आपको ये ब्रश चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप देख सकते हैं ब्रश से अच्छी तरह से मैंने चारों तरफ रगड़ दिया है। अब मैंने इसके ऊपर पानी डालना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि मेरा टाइल्स एकदम चमकने लगा। मुझे जब भी सफाई करनी होती है मैं यही मेथड यूज करती हूँ। अगर मुझे पूरे घर की भी धुलाई करनी होती है तो मैं गुनगुने पानी में सर्फ डाल के धुलाई कर देती हूँ, और जहाँ जहाँ मैल बैठा रहता है वहाँ ब्रश से रगड़ देती हूँ। खासकर मैं किचन में ये मेथड ज़रूर यूज करती हूँ। बाथरूम के लिए तो मैं हार्पिक ही यूज करती हूँ, बट इन बाहर के लिए मैं यही सब मेथड यूज करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा टाइल्स कितना साफ हो गया है। आप जब भी टाइल्स इस तरह से साफ करेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार इस तरह ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।